हेलो बच्चों, वेलकम टू सिंडम अकेडमी यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपके लिए लेके आते हैं हर दिन एक नया वीडियो इन आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल जो कि चेस बोर्ड से रिलेटेड है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल है क्या, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ रूक्स विच कैन बी अरेंज्ड ऑन अ 8x8 चेस बोर्ड इन सच अ वे दैट एवरी स्क्वायर ऑफ द बोर्ड इज कंट्रोल्ड बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा गया है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। दोस्तों आपने रूक तो देखा ही होगा चेस बोर्ड पे, जिसको हम लोग आमतौर पे हाथी भी कहते हैं। तो हाथी बेसिकली कुछ ऐसा दिखता है। तो दोस्तों हाथी की जो चाल होती है वो होती है कि जिस रो या और जिस कॉलम पोजिशन पे वो लाई करता है चेस बोर्ड पे, उनके सारे स्क्वायर्स को वो कंट्रोल करता है। कुछ इस तरह यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अपने फिगर में कि एक रूक को मैंने थर्ड रो एंड सेवेंथ कॉलम पोजिशन पे रखा हुआ है। तो जो भी स्क्वायर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, जो कि येलो कलर से आपको दर्शाए जा रहे हैं, दोज हैव बीन फिल्ड विद द येलो कलर, दे विल ऑल बी कंट्रोल्ड बाय द रूक। ठीक है, तो सबने चेस खेला ही हुआ है, लोगों को पता ही है कि हाथी किस किस स्क्वायर्स को कंट्रोल करता है। तो जिस रो और जिस कॉलम पोजिशन पे है वो, उसके सारे स्क्वायर्स को वो कंट्रोल करता है। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल ये पूछा गया है कि हमें सबसे पहले What is the smallest number of rooks which can be arranged so that every square on the chessboard is controlled by at least one of them? So, dosto, the least number of rooks that would be required to control would be 8, jo ki hai the number of rows or the number of columns in the given chessboard. क्योंकि अगर 8 से कम हुआ दोस्तों तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर रो ऐसा होगा या एक पर्टिकुलर कॉलम ऐसा होगा जिसके स्क्वायर्स किसी भी रूक के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो मिनिमम नंबर ऑफ रूक्स की संख्या होगी वो होगी 8। तो पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था, 8 से कम में काम नहीं बनने वाला है, कोई ना कोई स्क्वायर ऐसा होगा ही किसी ना किसी रो और कॉलम में जो कि किसी भी रूक के द्वारा कंट्रोल नहीं होगा अगर आप 8 से कम लेते हो रूक की संख्याएं। अब जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, मतलब कि आप अपने रूक्स को कैसे अरेंज कर सकते हो इन अ चेस बोर्ड ऑफ 8x8 डायमेंशन सो दैट एवरी स्क्वायर ऑफ द चेस बोर्ड इज कंट्रोल्ड बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो दोस्तों हम लोग यह समझते हैं कि ये जो रूक्स हैं उनको हम कॉलम वाइज या रो वाइज अरेंज कर सकते हैं और दोनों से हमें रिजल्ट सेम मिलने वाला है। तो मैंने उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पे रूक्स को रो वाइज अरेंज किया है। तो जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख पा रहे होंगे कि पहला रूक मैंने फर्स्ट रो पे रखा है और मैं ये भी दिखा रहा हूँ कि आपको कौन कौन से स्क्वायर्स उस पर्टिकुलर रूक से कंट्रोल हो रहे हैं। तो मैंने हर रूक को एक एक रो में रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जिस रो में वो गिर रहा है उस रो के सारे स्क्वायर और जिस कॉलम में वो गिर रहा है उसके सारे स्क्वायर वो रूक कंट्रोल करेगा। तो दोस्तों हर रूक, जैसे मान लीजिए हमारे रूक्स हैं रूक 1, रूक 2, रूक 3 डॉट 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 टिल रूक 8, हर रूक के पास हमारे 8 ऑप्शंस होंगे दोस्तों। जी हाँ, वो किसी भी रो में किसी भी 8 कॉलम पोजीशन पे लाई कर सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इन दिस डायग्राम, इन दिस एनिमेशन, आपका जो पहला रूक है वो फर्स्ट रो के सेवेंथ कॉलम पोजिशन पर बैठा हुआ है। सिमिलरली जो दूसरा रूक है वो दूसरे रो पे है और वो सिक्स कॉलम पोजिशन पर बैठा हुआ है। तीसरे रो का जो रूक है वो फिफ्थ कॉलम पे पोजीशन पे बैठा हुआ है। चौथे रो का जो रूक है वो थर्ड कॉलम पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे कि वो जिस तरीके से आपने इसको प्लेस किया है वो ना केवल उस सारे रो के स्क्वायर्स को कंट्रोल कर रहा है बट कि अपने रिस्पेक्टिव कॉलम्स के स्क्वायर को भी कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हर रूक के पास 8 ऑप्शंस होंगे। सो इन अ पर्टिकुलर रो दे कैन ऑक्यूपाई एनी ऑफ द 8 कॉलम पोजीशंस, इजंट इट? So if you are arranging the rooks row wise, the total number of ways in which you can do is 8 to the power of 8, क्योंकि यहाँ पे fundamental principle of multiplication apply होगा। जी हाँ, क्योंकि आपको सारे rooks को रखना है और हर rooks के पास 8 option हैं, तो आपका fundamental principle of multiplication ये कहता है कि the total number of ways to do it is 8 into 8 into 8 times, which is 8 to the power 8। मैं कह सकता हूँ कि column wise भी अगर आप इनको रखोगे तो रिजल्ट कुछ वही आएगा दोस्तों, कॉलम वाइज भी 8 to the power 8 होगा। तब यहाँ पे बच्चों को ये लग रहा होगा
कि द टोटल नंबर ऑफ वेज टू डू इट विल बी जस्ट द सम ऑफ दीज टू बिकॉज दीज आर टू केसेस. जी हाँ, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि ये केस वन केस टू है, तो जितने भी नंबर ऑफ वेज हैं टू डू केस नंबर वन और जितने भी नंबर ऑफ वेज हैं टू डू केस नंबर टू, उनको अगर आप ऐड कर दें तो हमारा आंसर निकल जाना चाहिए. बट रुकिए जरा दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी कमी रह जाएगी. कमी ये रह जाएगी कि आपके रो वाइज और कॉलम वाइज अरेंजमेंट ऑफ रूक्स में कुछ केसेस कॉमन आएंगे. जी हाँ, व्हाट विल बी द कॉमन केसेस. तो जो कॉमन सिचुएशन होगा दोस्तों, वो ये सिचुएशन होगा जहां पे, जैसे मान लीजिए आपने रूक नंबर वन को यहां पे रखा, तो रूक नंबर टू इस पूरे कॉलम में कहीं भी नहीं आएगा. ऑफकोर्स इस रो में तो नहीं आएगा. इसका ये मतलब है कि रूक नंबर वन के पास आपके लिए 8 ऑप्शन था, पर रूक नंबर टू जिसको आप प्लेस करने वाले हो उसके पास 7 ही ऑप्शन होंगे, क्योंकि वो इस पोजिशन पे नहीं आ सकेगा. करेक्ट. तो मान लीजिए आपने रूक नंबर टू को यहां पे रखा, तो रूक नंबर थ्री इस पूरे कॉलम में नहीं आ पाएगा. इसका यह मतलब है कि रूक नंबर थ्री के पास 2 पोजीशन और कम होंगे, मींस उसके पास सिर्फ 6 पोजीशन होंगे. वो यहां 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 और यहां ही आ सकता है. सिमिलरली रूक नंबर थ्री को आपने यहां पे प्लेस कर दिया, तो इसके नीचे जो भी स्क्वायर्स आएंगे उसके नीचे हमारा रूक नंबर फोर नहीं आएगा. रूक नंबर वन और रूक नंबर टू ऑलरेडी उनके कॉलम्स हम लोगों ने हटा दिए हैं, तो हमारा जो रूक नंबर फोर है उसके पास सिर्फ 5 ही ऑप्शंस होंगे. जी हाँ, वो यहाँ 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 और यहाँ ही आ सकता है. उसी प्रकार से हम कह सकते हैं जो हमारा लास्ट रूक होगा, रूक नंबर 8, उसके पास सिर्फ 1 ही ऑप्शन होगा. दैट मीन्स द नंबर ऑफ कॉमन केसेस दैट यू विल एंड अप गेटिंग विल बी 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, विच इज 8 फैक्टोरियल. और ये जो केसेस हैं ये आपके रो वाइज और कॉलम वाइज में दोनों ही अकर करेंगे. इसलिए जो टोटल आंसर होगा, जो फाइनल आंसर होगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ वेज वुड बी 8 × 8 + 8 × 8 - द कॉमन केसेस. तो एक कॉमन केस को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये 8 फैक्टोरियल हमारे रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों अरेंजमेंट में अपीयर होंगे. तो दोस्तों हमारा जो फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा 2 × 8 - 8 × 8 - 8 factorial. तो आशा करता हूँ दोस्तों आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा, एंड दिस कुड बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन द JEE एडवांस एग्जामिनेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.